साल बेमिसाल, नौ 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 साल बेमिसाल। नरेंद्र मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा जैसा हो। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। का नमस्कार और मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि 30 मई को 2023 में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के नाते कार्यकाल के 9 वर्ष तक पूर्ण किए। इस 9 वर्ष के उत्सव मनाने के लिए पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 31 मई से 30 जून तक हम महासंपर्क अभियान ये समस्त देश भर में चला रहे हैं। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की ओर से हम जो प्रमुख ऐसे 4 विषयों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे उसके बारे में चर्चा करने हेतु आप सभी को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सही मायने में हम सब युवा अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। जब देश में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था और उसी सपने को पूर्ण करने हेतु हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक नया संकल्प लिया नए भारत का, और आज हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहा है। इसलिए हम सभी को इस बात का गर्व है, सभी युवाओं को, खास करके मुंबई महाराष्ट्र के युवाओं को। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम में हम अपना योगदान दें और लाभार्थियों तक और युवाओं तक, खास करके जो देश के भविष्य है उन तक हम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के 9 वर्ष के जो उपलब्धियां है, जो सेवा कार्य है, जो विकास कार्य है, जो योजनाएं है, वो आम जनता तक पहुंचाए, इसका एक उत्सव मनाए। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा है और हम मुंबई में मुंबई युवक मोर्चा के माध्यम से ऐसे 4 प्रमुख कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये 4 जो प्रमुख भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के प्रत्येक कार्यकर्ता जो 4 प्रमुख कार्यक्रम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो 9 साल बेमिसाल ये संकल्प को लोगों तक लेके जाएंगे, उसमें से पहला कार्यक्रम है लाभार्थी संपर्क और लाभार्थी सम्मेलन। लाभार्थी संपर्क के माध्यम से हम प्रत्येक मंडल में ऐसे 1000 युवकों के घर पर हम जाएंगे, उन्हें संपर्क करेंगे, उनके घर में जाकर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष की उपलब्धियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें जो हमारे पार्टी के तरफ से पत्रक आया है वो देंगे और निकलते निकलते उनके घरों के बाहर भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर भी लगाएंगे। इस माध्यम से हम पूरे मुंबई में संपर्क करेंगे ऐसे प्रत्येक मंडल में 1000 युवकों को, और साथ ही उनके साथ सेल्फी निकालकर सरल ऐप पे मुंबई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपलोड करेंगे। ये माध्यम से हम लोग लाभार्थियों तक पहुंचने वाले हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में एक लाभार्थी सम्मेलन होगा, चाहे वो मुद्रा बैंक के लोन के हिसाब से कोई लाभार्थी हुआ हो, चाहे वो लसीकरण का लाभ लेकर कोई लाभार्थी हुआ हो, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड का लाभार्थी हुआ हो, ऐसे मुंबई के सारे युवाओं को इकट्ठा करके मुंबई के 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा के माध्यम से लाभार्थी सम्मेलन किया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई में किया जाएगा। उसके बाद दूसरा और सबसे जरूरी वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स का नोंदनी करना, उन्हें संपर्क करना। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 साल से 24 साल का युवा वर्ग है, जो अभी तक मुंबई में वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं डाल पाया है, उनको मदद करके हम स्टेशनों के बाहर हम बोट्स जेट्टी, चाहे मडा आइलैंड की जेट्टी हो, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पर हो, ऐसे युवा मोर्चा के माध्यम से मेट्रो स्टेशन के नीचे स्लम्स के बीच में बिल्डिंगों के बाहर ऐसे टेबल लगाकर मैं मुंबई कर मेरा वोट मेरा कर्तव्य, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता 18 साल से 25 साल के जो युवा वर्ग है उनका नाम मतदान नोंदनी में डालने की पूरा प्रयास करेंगे।
हमारा टारगेट है कि प्रत्येक मंडल में 3000 ऐसे युवकों को हम जोड़े, उनका नाम मतदान नोंदी में डालें, और उसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में एक फर्स्ट टाइम वोटर्स का सम्मेलन ये हम पूरे मुंबई में करने जा रहे हैं 36 के 36 विधानसभा में। तो इस माध्यम से हम जो हमारे देश का भविष्य युवा, उनको मतदान यादी में तो उनका नाम डालेंगे, लेकिन उनके साथ साथ संपर्क करके उनका सम्मेलन लेके आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी द्वारा जो युवकों के लिए ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में जो मोदी जी ने परिवर्तन लाया है, वो हम युवकों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम मुंबई युवा मोर्चा के माध्यम से होने जा रहा है। तीसरा, बाइक रैली के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में यानी कि 36 के 36 मंडलों में ऐसी बाइक रैली निकालेंगे जहां पर प्ले कार्ड के माध्यम से आगे टेम्पो रखकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के उपलब्धियां है उसको उजागर करके लोगों के बीच में नारेबाजी करके एक जागरूकता हम लोगों के बीच में लाएंगे। ये बाइक रैली हम मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जहां पर हम बाइक रैली की शुरुआत करें उस जगह पर मंच लगाकर हमारा एक शीर्ष नेतृत्व आए और वो हमें युवाओं को मार्गदर्शन करे, वहां पर जो भी युवा हमारे साथ में इकट्ठा होंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एडुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो अलग कोई एक्टिंग का क्षेत्र हो, ये सब माध्यम में जो युवा जुड़े हुए मुंबई के, ऐसे प्रसिद्ध युवाओं को हम वहां पर सम्मान करेंगे, उनका सत्कार करेंगे उस मंच के माध्यम से। फिर वहां से बाइक रैली की शुरुआत होगी और पूरे मंडल में बाइक रैली का प्रवास होगा। ऐसे 36 मंडलों में युवा मोर्चा के माध्यम से 9 वर्ष के जो हमारी उपलब्धियां है आदरणीय मोदी जी की, ये 9 साल बेमिसाल की ऐसी बाइक रैलियां निकाली जाएगी। ये 3 मुख्य विषय हम मुंबई में युवा मोर्चा के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक चौथा वो है क्विज कॉम्पिटिशन, चाहे वो स्कूल्स में माध्यम से हो, चाहे वो कॉलेजेस के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी वर्ग 18 साल से लेके 60 65 साल 70 साल का वर्ग हो, ये सभी का एक इन्वॉल्वमेंट इस क्विज कंपटीशन में हो, ये सुनिश्चित करने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। क्विज कंपटीशन के माध्यम से मोदी जी के जो 9 वर्ष के सेवा कार्य है, जो योजनाएं है, इसके बारे में सवाल जवाब के माध्यम से एक प्राइस कॉम्पिटिशन रखा जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागी हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से हम पूरे मुंबई में इसका प्रचार और प्रसिद्धि करेंगे। ये 4 प्रमुख कार्यक्रम हम युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से लेके जा रहे हैं और मुंबई भर में बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिला स्तर पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये 4 प्रमुख कार्यक्रम 9 वर्ष आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उत्सव के नाते हम मनाएं। इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, हजारों लाखों लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। हमारा पूरे देश भर में टारगेट है कि 75 लाख लाभार्थी युवाओं तक खास करके ये युवा मोर्चा पहुंचे और 36,000 का हमारा मुंबई का टारगेट है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।